हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ MGAHV के बारे में कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर एज। देन आपको उसमें टाइप करना है MGAHV 2023 एस पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको MGAHV से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। देन यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म में जो स्टार्ट हो चुका है डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है एंड इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी आंध्र शास्त्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसका फुल फॉर्म है। एंड देन यहाँ पे 1997 में जो है फाउंड हुआ था। पीएचडी कोर्सेज के लिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। देन यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है हर एक इन्फॉर्मेशन। एंड इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 20 मार्च को स्टार्ट हो चुका था। देन यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। देन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर CUET पे क्लिक करेंगे देन आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, देन यहाँ पे आपको साइन इन पर क्लिक करना होता है। बट अगर आप न्यू हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है। देन यहाँ पे आप आई हैव डाउनलोडेड पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे क्लिक हियर प्रोसेस पे क्लिक करना होता है। देन यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, फादर नेम बतानी है, फिर यहाँ पे आपको अपना मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। एंड देन यहाँ पे आपको अपना जो है जेंडर बताना होता है, जो भी आपका जेंडर होगा, आप मेल है फीमेल है। देन नेशनलिटी बताएंगे, आइडेंटिटी टाइप बताएंगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रमाइसिस नेम। देन यहाँ पे सब लोकेलिटी बतानी होती है जो भी आपकी लोकेलिटी होगा। एंड देन यहाँ पे लोकेलिटी बतानी है, देन यहाँ पे कंट्री डालनी है आपको, जो जिस भी कंट्री से बिलोंग करते होंगे। देन यहाँ पे आपको अपना जो है स्टेट बताना होता है जहाँ से भी बिलोंग कर रहे होंगे। देन यहाँ पे आपको उसका पिन, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट बताना है, जैसे सोलापुर थाने हैं, फिर यहाँ पे नासिक है और भी बहुत सारे यहाँ पे स्टेट्स दी गई हैं। देन यहाँ पर आपको जो पिन कोड डालना होता है वहाँ का, देन मोबाइल नंबर कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस कन्फर्म ईमेल एड्रेस। देन यहाँ पे आपको अपना अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है। देन यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस दिया गया, अगर आपको सेम एड्रेस है तो आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करना होता है। बट अगर आपका डिफरेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आपको जो अपना एड्रेस डालना होता है। देन यहाँ पे जो है पासवर्ड दिया गया, चूज़ पासवर्ड। देन यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड चूज़ करना होता है 8 to 13 कैरेक्टर्स के अंडर में। एंड देन आपको कन्फर्म करना होगा पासवर्ड। देन यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन दी गई है, सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेंगे देन आपको उसका आंसर देना होता है। एंड देन यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दी गई, आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करना होता है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है एंड आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना होता है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI। तो इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।